चौथे चरण के चुनाव से पहले सीएम योगी का शक्ति प्रदर्शन, लखनऊ में बीजेपी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, बोले सीएम योगी बहुमत से बनेगी सरकार। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये भीड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता के विश्वास का प्रतीक है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी झोंकी ताकत, ताबड़तोड़ रैलियों के बाद लखनऊ में किया रोड शो। लखनऊ में चौथे चरण में 23 फरवरी को होना है मतदान। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की अखिलेश यादव की शिकायत, मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे के अंदर मीडिया से बात करने पर शिकायत, अखिलेश पर दर्ज हो सकता है केस। यूपी के सैफई में आज वोट डालने के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात की थी। उन्नाव में पीएम मोदी ने छुए बीजेपी जिला अध्यक्ष के पैर, मंच पर पीएम मोदी को उन्नाव के जिला अध्यक्ष ने प्रतीक चिन्ह भेंट किया और पैर भी छुए, जिसके बाद पीएम मोदी ने अवधेश कटियार को मनाकर खुद ही पैर छुए। यूपी के हरदोई से विरोधियों पर गरजे पीएम मोदी, कहा 2017 से पहले यूपी में माफियावाद था, लोग शाम को घर से बाहर निकलने से डरते थे। माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था, छिनेती, लूट आम बात हो गई थी। आतंकवाद के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, एसपी के निशान साइकिल का जिक्र करते हुए आतंकवाद से जोड़ दिया। साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। चौथे चरण के प्रचार के लिए उन्नाव पहुंचे पीएम मोदी को देखने के लिए हेलीपैड के पास उमड़ा जनसैलाब, प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए छतों और सड़कों पर दिखी भारी भीड़, पीएम मोदी ने किया लोगों का अभिवादन। चौथे चरण के लिए यूपी के लखीमपुर खीरी में योगी की रैली, कहा जिन्होंने अंधेरे में रहने को मजबूर किया वो मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं। अंधेरे में रहने के लिए आपको मजबूर करने वाले लोग आज कहते हैं फ्री बिजली देंगे। अरे जब बिजली जब थे तब तो दिए नहीं, फ्री दोगे कहां से, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता। यूपी के श्रावस्ती में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, गांवों के विकास को लेकर अखिलेश पर बोला हमला। आज 10 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया गया, गैस का चूल्हा दिया गया, 10 करोड़, और आप क्या ये संख्या 1.5 करोड़ है उत्तर प्रदेश में। चुनाव प्रचार के लिए यूपी के देवरिया पहुंचे भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की, विपक्ष पर भी जमकर बरसे। कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने हमको खाते में सीधे पैसे डाले थे क्या? अरे डाले थे क्या? ये नरेंद्र मोदी जी है। रायबरेली के ऊंचाहार में प्रियंका गांधी की रैली, मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा बड़े उद्योगपतियों की सेवा में लगी है सरकार। चुनाव प्रचार के लिए अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया, उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी एसपी में जोरदार टक्कर, अनुराग ठाकुर और अखिलेश में वार पलटवार। कि आतंकी अब्बा जान समाजवादी भाई जान, इसलिए बंद है जुबान। जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं, अगर मैं आतंकवादी हूँ तो वो भी आतंकवादी होंगे। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर हमला, कहा आतंकियों की मदद करने वालों को जनता सिखाएगी सबक।
बहुत दुखद है, जिस तरह से आतंकवादियों का साथ देने का काम सपा ने किया, इसका परिणाम 10 मार्च को इनको सामने मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी के आतंकी से करीबी के आरोपों पर कहा, बीजेपी ये आरोप रणनीति के तहत लगा रही है। कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर आज और चुनाव से पहले जो आरोप लगाने वाले वो झूठे हैं कि नहीं है। इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई के पोलिंग बूथ पर पत्नी डिंपल सहित जाकर वोट डाले। वोट डालने के बाद यूपी में एसपी की सरकार बनने का दावा किया। हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार एसपी बघेल ने की पूजा अर्चना, कहा करहल में बदलाव होगा। करहल निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का होगा। करहल ने तय कर लिया है कि वर्षों की गुलामी से नहीं पा रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं। जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने किया दोनों सीटों पर जीत का दावा। अखिलेश यादव ने जो गठबंधन बनाया है ये बड़ी जीत होगी, और यहाँ देख ही रहे हो एक तरफा वोट पड़ रहा है गठबंधन का, साइकिल का, उनकी जमानत जब्त होगी। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने सेफा के पोलिंग सेंटर पर डाला वोट, चलने में दिक्कत की वजह से लिया व्हीलचेयर का सहारा। मुलायम सिंह यादव के समधी और सिरसागंज से बीजेपी उम्मीदवार हरिओम यादव का दावा, 100 से कम सीट पर निपट जाएगी अखिलेश की पार्टी। वो अंधेरे में अहंकार में चू रहे डूबे, समाजवादी पार्टी 100 सीटें क्रॉस नहीं करेगी। यूपी चुनाव में एसपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का दावा, इस बार 400 पार होगा एसपी का आंकड़ा। एक तरफा समर्थन समाजवादी पार्टी और उसके उम्मीदवारों को मिल रहा है, और अगर विशेषकर करहल की बात करें तो करहल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लीड होने जा रही है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने लगाया वोटिंग के दौरान गोपनीयता भंग करने का आरोप, मतदान की फोटो खींचने का आरोप। यूपी के फरुखाबाद से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी पत्नी लुईस खुर्शीद के साथ पिथौरा कायमगंज पोलिंग बूथ पर डाला वोट। लुईस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उरई में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने डाला वोट। वोट डालने के बाद कहा, लोग विकास के मुद्दों पर डाले वोट। मेरा एक ही लक्ष्य है, गरीब के कल्याण के लिए वोट मांगना होगा, और कानून का राज है, इसलिए खुशहाली के नाम पर हम वोट मांगे और लोग देने को तैयार। यूपी की कन्नौज सदर सीट से इस बार भी किस्मत आजमा रहे एसपी उम्मीदवार अनिल दोहरे को जीत का भरोसा, पिछले 3 बार से लगातार एसपी के टिकट पर जीत रहे हैं। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। कन्नौज सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार असीम अरुण ने किया जीत का दावा, कहा लोग बीजेपी को ही फिर चाहते हैं। न सिर्फ हमारी सीटें बढ़ेंगी बल्कि मुझे पूरा विश्वास है आप देखेंगे कि हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोग बहुत संतुष्ट हैं। यूपी सरकार में मंत्री और महाराजपुर से किस्मत आजमा रहे सतीश महाना का अखिलेश पर पलटवार, खालसा गर्ल्स कॉलेज में बने बूथ पर किया मतदान। उरई के जिला उद्योग केंद्र पर बनाए पोलिंग सेंटर पर वोट देने पहुंची 72 साल की बुजुर्ग महिला, चलने फिरने में दिक्कत, फिर भी हर बार डालती हैं वोट। कितनी बार वोट दे चुकी होंगी अब तक आप? तब से हम देवगांव में रहे, सुखना दाए वोट, जब से ना आए 30 साल से सेना दे रहे। लगातार वोट देने आती हर बार? हाँ, हर बार हमें नहीं छूटती। यूपी के जालौन में नवविवाहित जोड़े ने वोटिंग सेंटर में जाकर डाला वोट, लोग कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन की तारीफ। मैनपुरी के सैफई में वोटरों में दिखा उत्साह, 100 साल के वोटर ने डाला वोट। मैनपुरी की करहल सीट पर वोट करने आई महिलाओं ने माना विकास, नारी सुरक्षा और रोजगार बड़ा मुद्दा। नारी सशक्तिकरण है तो उस मुद्दे पर अहम भूमिका निभाएं। महंगाई हैगी और गरीबी है, सब सौंड पान डलवाए दे, किसान मरे जा रहे गरीबी से बहुत। सारी महिला को सुरक्षित चाहिए, रोजगार निकाला जाए और विकास होना चाहिए। हाथरस के सादाबाद विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने पहुंचे लोग, एक सुर में कहा कि उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर वोट दिए। विकास के मुद्दा है सबसे पहले, तो हमारे लिए युवाओं के लिए तो रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है।
यूपी में तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ। शाम 5 बजे तक यूपी में हुई करीब 57% वोटिंग। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने मोहाली के खरड़ बूथ पर डाला वोट। चन्नी ने जताया जीत का भरोसा। आज उम्मीदें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। लोग एक तरफ हो गए हैं, सारे कांग्रेस को आगे लेकर आना चाहते हैं और कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी के लिए आगे बढ़ रही है। पंजाब के धुरी से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने कहा उनकी बहुमत की सरकार बनेगी। 10 मार्च को 12 बजे इसी माइक से मेरे से बात कर लेना। 2/3 मेजोरिटी आएगी। लोग बहुत भारी तरीके से माजा मालवा द्वाबा सारा झाड़ू चल। वोट देने के बाद मां से मिलने पहुंचे भगवंत मान, पैर छूकर मां का आशीर्वाद लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं भगवंत मान। मजीठिया और सिद्धू का हुआ आमना सामना। मजीठिया ने हाथ जोड़कर सिद्धू का किया अभिवादन। अमृतसर ईस्ट सीट से आमने सामने हैं सिद्धू और मजीठिया। पंजाब में वोटिंग खत्म, शाम 5 बजे तक 63% लोगों ने किया मतदान। टोपी और हिजाब को लेकर ओबीसी का बयान, कहा मैं टोपी भी पहनूंगा और मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी, मैं किसी का गुलाम नहीं। तुमको मेरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। अभिनेता प्रकाश राज भी मौजूद रहे। वर्षा बंगले पर हुई मुलाकात। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है, देश को परिवर्तित होना चाहिए। जैसा कहीं घड़ामोड़ी होती, जैसी कहीं प्रगति हुई, ऐसी कल्पना आपने सम्मेलन दी गई। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक करने की मुहिम तेज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिलने पहुंचे केसीआर। सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है, इसीलिए पवार जी के साथ जो भी मेरे विचार थे मैंने रखा है। डेवलपमेंट इश्यूज के लिए एक वेजकर पूरे देश में एक अलग माहौल बनना सत्य है, तो वो माहौल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।